नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रोहित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आरबीसी क्लास 10 सामाजिक अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे पाठ नंबर 2, जिसका वीडियो नंबर 4 लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इससे पहले हमने सोशल साइंस पर काफ़ी वीडियो डाल लिए हैं, आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के आई बटन में आपको सामाजिक कक्षा 10 की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप जाकर वहाँ पर पाठ नंबर 1 और पाठ नंबर 2 के जितने वीडियो अब तक डाले हैं वो सारे देख सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाने के साथ। चलिए दोस्तों, आज का पाठ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने अकबर तक पढ़ लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे जहांगीर से। तो जहांगीर का जो शासनकाल है वो है दोस्तों 1605 से 1627 ईस्वी, मात्र 22 साल का। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया था, यानी जो माना जाता है कि अकबर जो है शेख सलीम चिश्ती जो की जो दरगाह है उस पर पैदल गया था और उसके कारण जो है इसको पुत्र प्राप्ति हुई थी और उसके कारण इसका नाम सलीम रखा गया था। सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12,000 मनसब प्राप्त था, यानी सैनिक सेवाओं के कारण सलीम को 12,000 मनसब दिया गया था। 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, यानी 1599 में सलीम ने अपने ही पिता अकबर के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी। अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फजल को 1602 ईस्वी में उसने वध करवा दिया, यानी जब सलीम ने बगावत की तो अकबर ने उसके दमन के लिए अपने एक नवरत्न था अबुल फजल उसको भेजा, तो 1602 में इसने अबुल फजल की हत्या करवा दी। 1605 ईस्वी में आगरा के किले में सलीम ने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल सत्ता संभाल की, यानी 1605 में जो है आगरा के किले में इसने जो है अपने आप को बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल सत्ता संभाली। उसने सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था, यानी इसने सिखों के जो गुरु थे अर्जुन देव उनको भी मृत्युदंड दे दिया था। जहांगीर की कंधार विजय सैनिक तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी जो जहांगीर की कंधार विजय है वो सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से प्रमुख मानी जाती है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक विधवा से विवाह कर उसे नूर महल नूर जहाँ की उपाधि दी, यानी 1611 ईस्वी में जहांगीर ने जो है मेहरुन्निसा नामक एक विधवा थी उससे शादी की और उसे नूर महल और नूर जहाँ की उपाधि दी, बाद में उसे बादशाह बेगम भी बनाया। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर थॉमस रो इसके दरबार में आए थे और 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, यानी जो प्रथम ब्रिटिश दूत थे हॉकिंस और सर थॉमस रो वो जहांगीर के समय आए थे और 1627 में इसकी मृत्यु हो गई। अब है शाहजहाँ के बारे में देखें, इसका शाहजहाँ का शासनकाल है 1627 से 1658। इसका बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ महल के साथ हुआ। फरवरी 1628 में आगरा में इसका राज्यारोहण यानी इसका राज्याभिषेक हुआ। इसके काल में खानजहाँ लोदी जुजार सिंह बुंदेलों का विद्रोह हुआ। शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालों को हुगली में पराजित किया, यानी पुर्तगाली जो थे शाहजहाँ के समय आ चुके थे, यानी अकबर के समय भी आ चुके थे और 1632 में पुर्तगालियों को इसने हुगली यानी जो कि पश्चिम बंगाल में वहां पराजित किया। उसने अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में करवाया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को प्रसिद्ध किया और 1692 में शाहजहाँ ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय यानी वहाँ का सूबेदार बनाया। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरा किले में कैद कर दिया, यानी औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को आगरा किले में क्या कर दिया, कैद। अपने भाइयों दारा मुराद व शुजा को मारकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया, यानी अपने ही भाइयों को उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे, चार उत्तराधिकारी युद्ध हुए हैं औरंगजेब दारा सिक्को शुजा और मुराद शाह शुजा और मुराद के बीच में, तो दरमत का युद्ध है, बहादुरगढ़ का युद्ध है, सामूगढ़ का युद्ध है, खंजवा का युद्ध है, इस प्रकार उसने 4-5 युद्ध किए और अपने ही भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी है तो दरमत का युद्ध द्वारा दारा सिक्को औरंगजेब के मध्य हुआ और फ्रेंच यात्री बर्नियर टोविनियर और इटली यात्री मंत्रोनी ने शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन किया। अब देखो, औरंगजेब 1658 से 1707 तक औरंगजेब शासक बना। औरंगजेब ने शासक बनने के बाद असम कूच बिहार रंगपुर कामरूप और मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया। इसने राजा जय सिंह को दक्कन का गवर्नर बनाया और पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में शिवाजी व राजा जय सिंह के मध्य हुई। शिवाजी ने अपने 23 किले जय सिंह को दिए। 1660 में शिवाजी राजा जय सिंह के प्रयास से औरंगजेब के दरबार में पहुंचा, मगर औरंगजेब द्वारा उसके साथ गरिमायुक्त व्यवहार नहीं ने उसका अपमान किया गया, अभी तो षड्यंत्रपूर्वक उसे बंदी बनाया गया। शिवाजी अपने सहयोगी की चतुराईपूर्वक योजना से गुप्त रूप से किले से बाहर निकलकर महाराष्ट्र चला गया। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा किया और 1678 ईस्वी में गोलकुंडा पर अधिकार किया। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% यानी उसने जजिया कर पुनः लागू किया था जो अकबर ने समाप्त किया था।
1639 में उसने मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। औरंगजेब ने मजहब को एक औजार की यानी हथियार के रूप में उसने अकबर के काल में चली आई प्रथा जरोका दर्शन और संगीत पर रोक लगा दी। 1707 में उसकी अहमदनगर में मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में 1688 में गोकुल के नेतृत्व में जाटों और 1672 में सतनामियों ने विद्रोह किया। सिखों के गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के चरवाह इस कारण उन्हें मार दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का कमजोर व अयोग्य उत्तराधिकार मिले जिससे मुगल साम्राज्य का क्रम से पतन होता गया और 1707 में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठे। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा और उस पर डोना जुलिन डास डा कोस्टा नामक इस्लाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है जिसमें खातुम बीबी फिदवी दुआगा जुलियाने की उपाधि मिली हुई थी। उसने पुर्तगालियों हित की बड़ी रक्षा की। 1712 में 1757 तक मुगल दरबार व तख्त षड्यंत्र व हत्या केंद्र बना रह गया और तत्कालीन राजनीतिक शक्तियों के रूप में उसका स्थान गौण हो गया। अब है मुगलकालीन प्रशासन। मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणाली का मिला जुला रूप थी यानी समन्वय थी। बादशाह शासन का अधिपति था। सर्वे सर्वा वकील ए मुतजलिक यानी वजीर बादशाह का सबसे बड़ा अधिकारी यानी प्रधानमंत्री होता था। प्रधान सदर यानी मीर समा नामक के दीवान वित्त विभाग का प्रमुख था। प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था जो अकबर के समय 15 थे और औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गए थे। इनमें सूबेदार दीवान सदर काजी प्रांतीय बख्शी कोतवाल आदि अधिकारी होते थे। जिला का शासन फौजदार अमल गुलजार मालगुजारी का अधिकारी वित्त काची सहायक सिकादर प्रागना प्रमुख आमिर मुंशिफ फातेदार खजांची एवं कानून को पटवारियों का अधिकारी उनके हाथ में था। बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना मनसबदारी प्रथा आधारित मनसबदारी जात और सवार में विभक्ति। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मुगल प्रशासन जो है कंप्लीट हो गया। अब इस पार्ट का जो तीसरा पार्ट है सत्ता के प्रतिरोध का सहयोग व राजस्थान के संदर्भ में, इसके अंदर राव शेखा हमीर चौहान महाराणा प्रताप चंद्रशेर बीकानेर राय सिंह स्वय जय सिंह अमर सिंह राठौड़ ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इसका अगला पार्ट स्टार्ट होगा मराठों के इतिहास 4 नंबर। 5 नंबर है विजयनगर व बहमनी साम्राज्य और इसका जो 6ठा पार्ट है वो है सिख धर्म का अपराध विकास और 6 पार्ट है इसके। तो 3 पार्ट और रहे इसी पार्ट के वो हम अलग अलग वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।